अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल नक्श में आपके लिए लेकर आया हूँ ये है जिन्नात दियो परी असेब से हिफाजत के लिए और दुकान के कारोबार खैर और बरकत के लिए। अगर किसी के कारोबार में खैर और बरकत ना हो, किसी ने जादू के ज़रिए या जिस तरीके से भी कोई चीज़ लगाई है जिसकी वजह से कारोबार में खलल आता है और कारोबार अच्छा नहीं चलता, तो इस नक्श को जो है वो लिख कर खुश खत और फ्रेम लेमिनेशन करके सामने के रुख में दुकान में लगाएं। अगर आप इस दुकान को इस नक्श को लिख नहीं सकते तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट निकाल लें और उसको लेमिनेशन करके फ्रेम में लगा के तो सामने के रुख में लगाएं। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ जिस चीज़ का भी वहाँ पर दखल होगा वो जगह छोड़कर चली जाएगी और आपका कारोबार अच्छा चलेगा। तो अगर किसी के घर में ये चीज़ हो, कोई जिन्नात का बसेरा हो या किसी असेब ब्यो परी कोई चीज़ हो जिसका खलल हो, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े हों, किसी किस्म के आदमी बीमार रहते हों, किसी किस्म का कोई और दखल हो, तो वो घर में इसका प्रिंट निकाल के सामने के रुख में लगाएं, तो लेमिनेशन करके फ्रेम में घर में सामने के रुख में लगा दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें उस घर को छोड़कर चली जाएंगी और घर में जो भी लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म का अमन चैन सुकून ख़राब है तो वो सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही मजरब और पावरफुल अमल है। तो अब जाते जाते एक छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ कि अपना मोबाइल जो होता है ये बच्चों के हाथ में ना दें, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों ने मेरा मोबाइल पकड़ा और एक गाने की वीडियो लगा के ऊपर चढ़ा दी, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी। तो मैं आया तो देखा, तो अब बच्चों की तो एक अपनी दुनिया होती है, इनके साथ ही वही बात है, जब शैतान आता है तो फिर लाहौल वाला कुव्वत इल्लबिल्लाहिल अज़ीम, तो वो जो भी उनको ना दिलाता कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनसे एहतियात रखें। तो अर्ज़ इस तरह से है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफज़ाई हो जाती है। हम इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, आपके लिए अमल लेकर आते हैं अच्छे से अच्छे, मुफीद से मुफीद। तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि कोई हो सकता है कोई ज़रूरतमंद इंसान हो, किसी को इसकी ज़रूरत हो तो उसको फ़ायदा पहुंचे, तो उसका अजर व सवाब आपको भी होगा। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।